मांग रहा है, कफन हाथों में उठाकर शहादत के लिए तैयार हो जाओ, जागो सुन्नियो जागो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबियीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमल मासूमीन। सफ़र जैसे बाबरकत महीने के मतलब अवाम के अंदर बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। ज़माना जाहलीत में अहले अरब महज अपने बातिल ख्याल की वजह से इस महीने को मनहूस समझते थे, जैसा कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इस्लाम से पहले इस महीने के बारे में इस किस्म के तसव्वुरात भी रखे जाते थे कि इस महीने में आफ्तें और मुसीबतें बहुत ज़्यादा नाजल होती हैं, इस वजह से इसे ज़्यादातर लोग मनहूस समझते थे। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफिया मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र उल मुज़फ़्फ़र के बारे में इन वहमी ख्यालात को बातिल करार देते हुए फरमाया कि सफ़र कुछ नहीं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, अवाम इसे बलाओं और आफ्तों के नाजिल होने का महीना करार देते हैं, ये अकीदा बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग इस महीने को मनहूस समझते हैं, बल्कि जैसे ही इस बाबरकत महीने की आमद होती है तो महज वहमी ख्यालात की बुनियाद पर इस महीने से मुतलिक तरह तरह की बातें अवामुन नास में मशहूर की जाती हैं। इस महीने में कोई नया कारोबार शुरू नहीं करते और अपने बच्चों की शादी नहीं करते, और अगर किसी के घर में कोई मैयत हो जाए तो उसको मनहूस समझते हैं। सदरु शरिया हज़रत अलामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस महीने में अपने बच्चों की शादी नहीं करते और इस किस्म के बहुत से काम हैं जिनसे वो परहेज़ करते हैं। याद रखें, इस किस्म के नज़रियात रखना सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ है, हमें इनसे तौबा करनी चाहिए। इस्लाम में ना कोई दिन, ना कोई महीना और ना ही कोई तारीख मनहूस है, बल्कि तमाम दिन, महीने और तारीख अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं। हमें खुद भी इन वहमी ख्यालात से परहेज़ करना चाहिए, और अगर किसी भाई को इन ख्यालात में मुबतला पाएँ तो उनकी इसलाह करनी चाहिए। करे ना तंग ख्यालात बद कभी कर दे, शाऊर व फिक्र को पकीज़गी अता या रब।